ये बड़ी अच्छी बात है हमारे यूथ को जो पहले टीवी पे देखते थे इंटरनेशनल क्रिकेट, यहाँ पे आके उनको लाइव देखने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा एक इंस्पिरेशन वैल्यू है हमारे बच्चों के लिए और बड़ा इंस्पायर हुए हैं कल। अगर आपने देखा होगा, आप भी क्राउड में थे, आपने क्राउड से बात की, यूथ से बात की, मैंने आपकी बाइट्स वहाँ पर देखी। सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सबसे बड़ी बात, मैंने जिस बच्चे से कल बात की, सो इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसी लीग आगे इंशाल्लाह हम और करते जाएंगे और हम चाहेंगे कि क्रिकेट फैंस यहाँ है, क्रिकेट में कि काफ़ी यहाँ पे मशहूरियत है बच्चों में, क्रिकेट को फ़रोग मिले आने वाले दिनों में, और लीग्स का इनेकाद हो और यूथ एंगेजमेंट थ्रू स्पोर्ट्स हो, और हमारा डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में क्रिकेट फील्ड्स, क्रिकेट पिचेस, क्रिकेट इक्विपमेंट, क्रिकेट ट्रेनिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इकदाम उठाने वाला है। लोगों का फीडबैक कैसे मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसे किस्म की फीडबैक तो आप मुझे देंगे, बिकॉज लोग आप कल स्टैंड्स में थे, आप लोगों ने से बात की, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने अपने टीम्स, अपने अपने प्लेयर्स के लिए चीयर कर रहे थे। देखिए, स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है, आफ्टर सो मच ऑफ लैप्स ऑफ टाइम पीपल आर असेंबलिंग फॉर सेलिब्रेशन, पीपल आर असेंबलिंग फॉर चेयरिंग अप ऑफ देयर टीम, पीपल आर असेंबलिंग फॉर पॉजिटिविटी, पीपल आर असेंबलिंग फॉर द वेलबींग एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जनरल पब्लिक के लिए पार्किंग फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे रखी है आपने? वो SSP ट्रैफिक देख रहे हैं एंड आई बिलीव पार्किंग के हवाले से एज ऑफ नाउ मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। यहाँ पे अमर सिंह कॉलेज है, हमारा आता है, इंडोर स्टेडियम का आता है, यहाँ पे इकबाल पार्क का आता है, और मैंने देखा जो जनरल क्राउड है, दिस इज़ वेरी एंडियरिंग, लॉट ऑफ पीपल हैड कम ऑन साइकिल्स, लॉट ऑफ पीपल हैड कम ऑन वॉकिंग। देखिए, जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए पार्किंग बाकी चीज़ें मतलब नहीं रखती थी, उनको टिकट चाहिए था, उनको अपने जो सुपर स्टार्स का चेहरा देखना था, उनकी एक्शन भरी ये जो गेम देखनी थी, एंड दैट इज़ नॉट एन इशू। आई डोंट थिंक पार्किंग वॉज एन इशू। अगले साल क्या कुछ नए वेन्यू देखने को मिल सकते हैं बख्शी स्टेडियम के बगैर? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने एक लीग का इनेकाद किया था, दैट वॉज कॉल्ड एज बिजबारा प्रीमियम लीग, आपने देखा होगा उसमें भी 10-20 हज़ार लोग। उस स्टेडियम को हम आने वाले दिनों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेने जा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे IDFC के थ्रू हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, स्टैंड्स बना दिए, पिचेस बना दिए, ग्राउंड का लेवलिंग करवा दिया, वहाँ पेवेलियन बिल्डिंग बन गए हैं, चेंज रूम्स बन गए हैं, और उस क्रिकेट स्टेडियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इशू अभी था ड्रेनेज का, वो भी मसला हल हो गया। तो इट हैज़ ऑल द कैपेसिटी टू बिकम एन इंटरनेशनल स्टेडियम।